नहाया भी नहीं. ज़्यादा excited हूँ because today I'm gonna buy my first. क्यों वैसे तो मेरी पोपट सी हो गई है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम रिंकी चौधरी एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे. तो अभी हम जा रहे हैं कॉफी पीने बिकॉज मेरा बहुत मन हो रहा था. सो लेट्स गो. और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है. वेट, आई विल शो यू. थोड़ी ठंडी भी हो रही है यहाँ पे. तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सीरियसली गाइस. जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस. हल्की हल्की बारिश हो रही है और मस्त मौसम हो रहा है एकदम. मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना. और हम जा रहे हैं मैकडी कॉफ़ी पीने एकदम हल्की हल्की बारिश में. बाइक से जा रहा है, मज़ा आने वाली है. अभी हम पहुंच चुके हैं ये वाले मैगडी की. ना वाइब बहुत अच्छी है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला मैगडी. और मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए आती हूँ बिकॉज इसमें ना जो ये आउटडोर सेटिंग है ना, ये मुझे बहुत सही लगती है. आया हूँ. और मेरी पोपट हो चुकी है गाइस बिकॉज बाहर पूरा गीला हो रहा है क्योंकि बारिश आ रही है. तो हम बाहर नहीं बैठ पाएंगे. अभी तो इसमें जो हमारे सीट ढूंढ लिया ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एकदम स्मूथ वाइब आ रही है. ओके, तो अभी मैंने मंगाया है. रुको जरा, सबर करो. ओके, तो अभी हमने मंगाया है वेज चीज़ी नगेट्स, वेज पफ, हॉट चॉकलेट और एक लार्ज हॉट चॉकलेट. अजितेश के लिए मैंने स्मॉल लिया है. और वेज पफ देखते ही ना मुझे प्रोमो की याद आ जाती है, माय बेस्ट बेस्ट फ्रेंड. वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है वेज पफ. वो सबके मज़े ले रहे हो. हमारे गॉसिप है, तुम्हारे तो कुछ गॉसिप ही नहीं. And here is my date for lifetime. मैं ना अभी बाहर आ गई हूँ बिकॉज मुझे ना अंदर थोड़ी गर्मी सी लग रही है. शायद वो मैंने हॉट चॉकलेट पी है ना इसलिए. और यहाँ पे तो बहुत सही मौसम हो रहा है. अज्जू को देखता है क्या कर रहा है मिस्टर अजितेश. अज्जू हाय. अभी हमने कॉफ़ी पी के हम आ गए वहाँ से मैगडी से. अभी ना मुझे यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे अभी हम हैं. तो ऐसे ही ना हम वॉक कर रहे हैं. हम यहाँ पे जब भी आता है ना तो हम 10-15 मिनट वॉक करते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं. अभी गिरने वाला था मैं. इतना सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रिटी प्रिटी. मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, सुंदर तो मैं हूँ. मज़ा आ रही है. पीछे रह गए, जूते छोड़ के भाग गए. मैं बस भागती रहती हूँ पूरा टाइम. वेट फॉर मी, आई गॉट लिटिल लेग्स. अभी हम घर जा रहे हैं ना वापस. लेट्स गो होम. सही है, थोड़ी वॉक भी हो गई. वैसे भी मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है एक दो दिन. कितने दिन हो गए मुझे वर्कआउट करे? एक हफ्ता. पर क्या वर्कआउट, मैं इतना काम भी तो कर रही हूँ, घर का फेस्टिवल, पूरा दिन मुझे टाइम ही नहीं लग रहा. चलो अभी फिर चलते हैं घर. गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट्स अ नेक्स्ट डे. एक्चुअली इट्स अ नेक्स्ट मॉर्निंग और हमारी शक्ल आप देख सकते हो. और अभी हम जा रहे हैं सुबह मॉर्निंग शो देखने जवान मूवी का. और हमारी नींद भी नहीं उतरी है अभी तक और हम ऐसे ही चलती हैं. मैंने यही वाले कपड़े पहन लिए क्योंकि मैंने शाम ही पहने थे और आके हमें फिर से कहीं जाना है तो तब चेंज करेंगे. सो यस, और अभी तक कोई भी नहीं उठाया. आप मेरी आवाज़ से पता कर सकते हो, मतलब बिल्कुल भी ना ऐसे हो रहा है अभी कि सो के उठे और चल दिए. नहाया भी नहीं. आके नहाएंगे.
और हमारे यहाँ पे ना अच्छी खासी ठंड हो रही है बहुत। ऐसे आप देख सकते हो मेरे पीछे, आपको दिख रहा हो शायद, बहुत तेज़ हवा चल रही है तो अच्छी खासी ठंड हो रही है। तो चलो फिर अभी चलते हैं जवान देखने, सुबह सुबह क्या मुसीबत ले ली गाइस। अगर एडवांस बुकिंग नहीं की होती ना तो मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली थी। मैं सोच रही थी बस सुबह सुबह हम ही उठे हैं, पर अच्छे खासे लोग आए हुए हैं गाइस। यहाँ पर तो इतने लोग हैं बट उधर पार्किंग में अच्छे खासे लोग आए हुए हैं। ड्रीम गर्ल मैं तो बिल्कुल भी नहीं आता ड्रीम गर्ल देखने, वो शाहरुख खान है ना तो इसलिए इतना बनता है। एंड दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। एक्चुअली मैंने कल शाम भी यही पहना था, तो क्योंकि मैं एक घंटे के लिए ही बाहर गई थी फिर इसलिए मैंने सुबह सुबह यही पहन लिया। अभी क्योंकि हमें वापस से मूवी देखने के बाद दूसरे मॉल जाना है तो तब हम चेंज करेंगे ना दो के मस्त एकदम। अभी चलते हैं, बहुत ज़्यादा सुबह हो रही है गाइस सीरियसली। अगर टिकट बुक नहीं हुए होते एडवांस में तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी, बिल्कुल भी नहीं। बट ठीक है, मैं ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान तो इतना तो कर ही सकता। Let's go. अभी ठंड हो रही है ना, अभी आ रहे हैं लोग धीरे धीरे। इधर रीले चल रही है तो अपनी जैकेट वैकेट लेके आती हूँ। सही में बहुत तेज एसी होता है थिएटर में, बस तक ना कॉर्नर की सीट ही है, मैं जैसे बैठ जाऊँ। और बस मूवी स्टार्ट होने वाली है। नहीं मुझे वहीं खाना, मूवी बहुत अच्छी थी गाइस, बहुत अच्छी। मैंने चश्मा क्यों लगा रखा, ऑसम थी ना आज, अमेजिंग अमेजिंग। एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान क्या लग रहा है यार, ऑसम तो सही लुक आ रहा था। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं ना फिर, ठीक है ओके। तो अभी हमारी मूवी ख़त्म हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले मॉल, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है। और अजकेश को भी, जैसे मैं बोल रही थी आपको मॉनिटर देखना है क्योंकि हमने पहले भी देखा था, हमने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। और अभी हमें मॉनिटर देखने जाना है और मुझे एक दो चीज़ें लेनी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो क्योंकि मैं कुछ रेयर ब्यूटी का सामान लेने जा रही हूँ, मेरा जो मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी पहले हम वहाँ जाएंगे, मतलब दूसरे वाले मॉल जाएंगे, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद मॉल जाएंगे। और मिस्टर पति देव बार बार खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। 1 hour later. तो अभी ना हम यहाँ पे आए हैं सैंडविच खाने। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी सैंडविच मिलता है और आलू पूरी, बहुत टेस्टी खाना मिलता है। तो पहले खाना खाते हैं उसके बाद मॉल जाएंगे। चाय, एंड हियर इज माय बॉम्बे मसाला। अभी हमने खा लिया है बस, अभी हम जा रहे हैं मॉल। आई एम सो एक्साइटेड, पहले मॉनिटर देख लेते हैं। मॉनिटर पे क्या दिख रहा है, मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिख रहा है। एक बार चेक कर लो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज टुडे आई एम गोना बाय माय फर्स्ट एवर रेयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स फाइनली। लेट्स गो टू सफोरा। और सैमसंग का तो देखना है ना आपको, हमें ना मॉनिटर भी देखना है, पर हाँ पहले सैमसंग देख लेते हैं। ओके सो आई एम डन विथ सफोरा, माय फर्स्ट एवर प्रोडक्ट, आई एम सो एक्साइटेड। और बाकी मैं घर जाके दिखाऊंगी। ठीक है, मुझे ना हाइलाइटर देखना है और क्या था बाकी, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है। अभी हम जा रहे हैं मॉनिटर देखने सैमसंग। हमें कभी कुछ नहीं मिलता टाइम पर सीरियसली। मॉनिटर यहाँ पे भी नहीं है, इतना बड़ा स्टोर है बट मॉनिटर नहीं है।
मुझे ना बहुत ऐसे ऐसे मजा आ रही है। थैंक यू। सामने विजय सेल्स है। विजय सेल्स सामने का? अच्छा, मॉल से निकलने के बाद अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मिनी सो, बिकॉज मुझे थोड़े अपने क्लो क्लिप, हेयर क्लिप, ये सब देखना है। लच्ची मैंने पहले वाले में भी देखे थे। गिर गया ना, पता चला। हाँ, मैंने पहले वाले में भी देखे थे पर उसमें नहीं मिले थे। अभी देखती हूँ उसमें मिलते हैं या नहीं। मुझे छोटे वाले ही चाहिए, मतलब मीडियम साइज। आई लाइक दिस वन एंड दिस ऑल्सो। अभी हम जा रहे हैं घर वापस और मैंने आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है, क्या लिया है। और क्योंकि मुझे घर जाके व्लॉग भी एडिट करना है, अपलोड भी करना है, तो वो भी कर देंगे फटाफट से। चलो अभी पहले घर चलते हैं। ओके एवरीवन, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं उस दिन रेयर ब्यूटी से क्या लाई थी उस दिन के बाद ना, क्योंकि जब हम उस दिन रात में आए थे तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी उस टाइम, और फिर एक दो दिन ना मुझे कुछ काम आ रहा था तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरी पोपट सी हो गई है क्योंकि मैं चार पाँच चीज़ें लेने गई थी रेयर ब्यूटी की, बट मोस्टली आइटम आउट ऑफ स्टॉक थे तो मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेके आई हूँ। बट ठीक है, मैं वो दिखा देती हूँ आपको, बिकॉज ऑफकोर्स यार इट्स अ रेयर ब्यूटी प्रोडक्ट एंड माई फर्स्ट रेयर ब्यूटी प्रोडक्ट गाइस, और मैं आप लोगों के साथ ही ओपन कर रही हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये सॉफ्ट पिंच ड्यूई लिक्विड ब्लश, और ये शेड है एनकरेज। और अगर मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा क्यूट है ये गाइस, जस्ट लुक एट दिस, बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसका जो लाइक पैकेजिंग है ना, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। और ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने उस दिन जब मैंने ट्राई करा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मुझे ना ये वाला शेड एकदम पसंद आ गया था क्योंकि मुझे चाहिए डेली वेयर के लिए, मतलब रेगुलर यूज़ के लिए मुझे चाहिए। वैसे मैं ना दो लिप ऑयल लेने गई थी, एटलीस्ट दो लिप ऑयल, और बाकी मैं उनका ना एक टिंटेड मॉइस्चराइजर है वो भी लेने गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक मैं हाइलाइटर लेने गई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताते हैं। एक उनका ना मेकअप सेटिंग स्प्रे है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो रखी थी। टिंटेड मॉइस्चराइजर थे बट मेरे स्किन टोन के हिसाब से वो वहाँ पे नहीं था अवेलेबल। मैं उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के आई हूँ, वो बोल रहे थे मे बी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो मैं शायद नेक्स्ट मंथ लेने जाऊँगी। बट मुझे एक ये प्रोडक्ट मिला तो मैंने वो ही ले लिया कि ठीक है। लुक एट दिस गाइस, इतना ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग है ना, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं ना आपको दिखाती हूँ इसकी जो शेड है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी सीरियसली। मुझे ना इसकी एक दो शेड और लेनी है अभी एंड दिस, बस आपको ना इतना ही लगाना है एंड इट्स इनफ, एक डॉट इनफ है गाइस। और ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है ना, जस्ट टैप टैप, इतना अच्छा शेड है गाइस ये। जैसे मेरा जो स्किन टोन है वो थोड़ा वीटिश है, तो मेरे स्किन टोन के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है। जस्ट लुक एट द शेड, इतना अच्छा आ रहा है, एकदम जो नेचुरल होता है ना, नेचुरल कलर वो आ रहा है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा शेड। मैंने आपको बता दिया एनकरेज, अगर आपका भी स्किन टोन मेरे जैसा है तो आप ये ले सकते हो गाइस। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैंने आपको दिखाया, मैंने सिर्फ एक डॉट लगाया है, जस्ट एक डॉट आपको इधर लगाना है, एक डॉट इधर, एंड यू आर गुड टू गो। और इसकी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं जो लाइक जिनका ओके रिव्यू है, तो वो सारी चीज़ें तो मैं नहीं लूँगी। मैं जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं नेक्स्ट मंथ लूँगी जो भी चीज़ें लेनी है, सो तब मैं आपको दिखाऊंगी। डेफिनेटली मैं व्लॉग करूँगी उस चीज़ का या हॉल बनाऊँगी। बाकी मैं उस दिन मिनी शो भी गई थी, तो मिनी शो से मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, बस ये दो प्रोडक्ट लाई थी। आई 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 आई, ये एक आजकल पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा हुआ है ये स्पार्कल नेल पेंट का, ये लाई हूँ, लगाती वगाती मैं हूँ नहीं। एक ये मैं क्लो क्लिप लाई थी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने वहाँ पे आपको दिखाया भी था, सबसे पहले मैंने ना इसका वाइट उठाया था बट वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर तो इसका मैंने ना आपको प्राइस नहीं बताया, इसका जो प्राइस है वो है 2900 रुपीज़। और अगर आप इतना लाइक इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा देख के करो, रिव्यूज़ देखो कैसा है, आप पहले ना टेस्ट करो। ऑनलाइन अगर आप मंगाओगे
तो फिर वो आपकी स्किन टोन के हिसाब से आएगा या नहीं। तो इसलिए मुझे था कि मैं स्टोर पे जाके ही परचेज करूं, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि कौन सा मेरे स्किन टोन पे जा रहा है। जैसे टिंटेड मॉइस्चराइजर है तो वो मेरे स्किन टोन पे नहीं था, वो थोड़ा ना जो मेरी स्किन टोन है उससे एक टोन डार्क जा रहा था, तो मैंने नहीं लिया। वो बोल रहे थे नेक्स्ट मंथ आ जाएगा तो हम नेक्स्ट मंथ ले लेंगे। सो यस गाइस, और अभी मुझे करनी है एक व्लॉग एडिट करना है। और हाँ गाइस, उससे पहले आपको ना अभी अगर आपने रक्षाबंधन सॉरी जन्माष्टमी वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो ऑलरेडी लाइव आ चुका है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग व्लॉग है। और यस गाइस, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। दैट्स इट, दैट्स ऑल। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो यस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून।